हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और क्या आप लोग भी परेशान हो चुके हो यार अपने बार बार रेलवे स्टेशन जा जा के टिकट बुक करवा करवा के, और मतलब जब भी आपको अगर अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारे टिकट बुक करने होते हैं तो किसी एजेंट से करवाने पड़ते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस पे लेता है सारे टिकट बुक करने के। तो भाई इसका मस्त सोल्यूशन है कि आप अपना टिकट खुद ऑनलाइन घर से बुक कर लो, बट उसके लिए IRCTC का अकाउंट चाहिए रहता है जो कि बनाना थोड़ा सा बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। तो आज की इस वीडियो में वही बताएंगे कि भाई आप अपना खुद का IRCTC का अकाउंट कैसे बना सकते हो और उससे टिकट बुक कैसे कर सकते हो। तो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी इस मेहनत के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और मज़ेदार टेक वीडियोज़ के लिए, और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि वीडियो जैसी कोई भी नहीं अपलोड हो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये हम हमारी अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब तो हम सबको बता दूँगे कैसे क्या करना है तुम्हें। तो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पहले कंप्यूटर को, बैकग्राउंड चलो ये ठीक लग रहा है। अब तुम्हें अपना ब्राउज़र खोल लेना है। मैं देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लेता हूँ क्योंकि अच्छा चलता है, थोड़ा क्रोम से डाटा कम चोरी करता है। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं IRCTC यहाँ पे, तो ये हमने क्लिक कर दिया इंटर पे। और यहाँ पे जो साइनअप दिख रहा है इस पे आके आपको क्लिक कर देना है साइनअप के बटन पे। बटन तो क्या ही है। यहाँ पे साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखो ऊपर रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी यहाँ डिटेल्स ये दिखा रहा है वो आप सब आपको डाल देनी है। जैसे यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम बना लेता हूँ, कुछ भी यूनिक सा आपको यूनिक बनाना पड़ेगा आपका यूज़र नेम, मतलब वो मना कर देगा अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप कुछ भी यूनिक सा लिख लीजिए। मैंने लिख दिया है, मैं भी लिख देता हूँ। अगर ये यूनिक नहीं होगा ना तो भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लग लेना है, थोड़ा पासवर्ड डिफ़िकल्ट बना लेना यार ताकि कोई मतलब हैक वैक ना कर ले। वैसे तो कौन ही करेगा IRCTC का अकाउंट। यहाँ पे एक और बार अपना पासवर्ड लिख देना, प्रेफर्ड अपनी लैंग्वेज कर लेना कौन सी लैंग्वेज। भाई मैं तो अपना इंग्लिश बढ़िया सा। यहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन लिख लेना, अगर अकाउंट रिकवर करना हो तो किससे करोगे। तो यहाँ पे एक नीचे कोई भी क्वेश्चन लिख लेना, मैं स्कूल वाले ही लिख लेता हूँ, मेरा लास्ट स्कूल जो भी नेम था उसका। तो संस्कार हाँ हो गया। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, देन उसके बाद वापस से कंटिन्यू मार देना। कंटिन्यू करते से आपको अगला पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम ऑप्शनल है अगर हो तो लिखो वरना ना लिखो, और लास्ट नेम भी ऑप्शनल है, लिखना हो तो मत लिखना। मतलब अभी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना, यहाँ पे अपने बर्थ डेट कर देना, और भाई 18 से ऊपर हो तो ही बना पाओगे अकाउंट, वरना नहीं बना पाओगे तो तुम्हें तो मालूम है कैसे बनाना है है ना। तो चलो फिर आगे करते हैं। मैं यहाँ पे अभी अपनी कुछ भी बर्थ डेट डाल देता हूँ, और कुछ भी बर्थडे डाल दी मैंने यहाँ पे। अब मेरिड अनमेरिड सेलेक्ट कर लेना तुम भाई अपने हिसाब से, और उसके बाद मेल और फीमेल जो भी अपना हो तुम्हारा वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे अपना जीमेल डाल देना एक कोई सा भी, मतलब ये वेरिफिकेशन करवाएगा आगे, बट अभी कोई सा भी जीमेल डाल सकते हो अपना जो आप चलाते हो। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जिस पे आपको अकाउंट बनाना है, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं अपन कंट्री इंडिया। एंड बाकी सारी डिटेल्स एक बार चेक करके गो थ्रू होके फिर देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते से आपको देखो ये दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे क्या आप रहते हो। पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइन लिख देना जो भी है तुम्हारा, पिन कोड लिख देना जैसे कि मैं लिख देता हूँ 4 6 5 6 8 3, तो ये हमारा पिन कोड है। उसके बाद आपको ये सिटी सिलेक्ट कर देना, मतलब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद स्टेट, और फिर देन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सब कुछ हो चुका है डन। यहाँ पे आपको बस अपना फ़ोन नंबर वो लिखना है एक और बार, तो मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने फ़ोन नंबर। यहाँ पे नीचे वाले पे अपन कर देते हैं इसको यस, एंड देन उसके बाद ये बॉक्स चेक ही है। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर लेते हैं, कैप्चा पता नहीं क्यों फिल करवाते हैं भाई, रोबोट क्यों ही बनाएगा यार अकाउंट। चलो करवा रहे तो कर देते हैं, कैप्चा फिल करके बॉक्स को टिक कर देना। एक बार वापस से गो थ्रू हो जाना सारी डिटेल्स के साथ क्या सही है क्या नहीं, देन उसके बाद वापस से कर देना रजिस्टर पे क्लिक, एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप। और इसके बाद आपका अकाउंट बन जाने वाला है। तो मैंने करा रजिस्टर पे क्लिक, ओके आ चुका है। ये पूरा पढ़ लेना कि आपके ईमेल और नंबर वेरिफिकेशन होंगे, आप सक्सेसफुली अब रजिस्टर हो चुके हो। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो जैसे कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। और अब यहाँ पे आपको वापस से एक और बार लॉगिन करना पड़ेगा और अपना ईमेल और नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं इसके फर्स्टली वापस से लॉगिन पेज के ऊपर, वहाँ लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ये बता रहा है।
और बाकी अगर इंटरनेशनल बुक करना है तो आपको 100% 100 रुपीज़ GST अलग से लगता है, वो सब ये लिखा हुआ आप पढ़ लेना इस वीडियो रोक के। अब यहाँ पे वापस से देखो हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब जो अपना इन्होंने यूज़र नेम बनाया था और जो पासवर्ड बनाया था वो सभी यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ जो मैंने लिखा था अक्षत वर्मा 888 एंड देन यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ मेरा एंड देन उसके बाद ये कैप्चा फिर कर लेते हैं अपन। कैप्चा फिल करने के बाद वापस से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते से ही देखो यहाँ पे मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, तो आपके मोबाइल पे जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब डाल देता हूँ मेरा OTP के तो आ ही गया होगा। देखो अब OTP डालते से ही यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है तो ये OTP वेरीफाई हो जाएगा। देखो ऊपर आ चुका है मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब यहाँ पे देखो ये ईमेल करना है, ईमेल नंबर पे मतलब ईमेल पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। तो भाई घबराना मत, ईमेल वाला जो OTP है ना वो थोड़ा टाइम में आता है, मतलब 10-15 मिनट भी लग सकते हैं और जल्दी भी आ सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है। वैसे तो क्या है ना, मेरा भी खुद का ईमेल वाला थोड़ा लेट आया था तो मैं खुद घबरा गया तो मैंने क्या हुआ है, बट तुम लोग घबराना मत, ईमेल का थोड़ा आता है लेट। अब यहाँ पे अपन OTP डाल देंगे इसमें जब आएगा मेरा। तो गाइज मेरा OTP आ चुका है, अब मैं OTP इसके अंदर डालता हूँ। भाई लगा है 10 मिनट लगा है यार OTP आने में, थोड़ा टाइम लगता है ईमेल पे आने में। ये देखो ईमेल भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फाइनल लॉगिन आपके अपने अकाउंट में कर सकते हो आप, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लॉगिन वाला बटन है, लॉगिन पे गए हमने और वापस से यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हमने। यूज़र नेम अक्षत वर्मा 888 एंड देन पासवर्ड मैंने लिखा एंड देन उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे अपन एंड वापस से कर देंगे साइन इन। साइन इन करते से ही देखो अब तुम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो तुम्हारे IRCTC के अकाउंट में। यहाँ पे अपना जिस जहाँ से जाना है तुम्हें और जहाँ पे जाना है वहाँ का मतलब जो जंक्शन का नाम है जो भी उसका नाम है वो सब लिख देना है। यहाँ पे डेट कब जाना है आपको वो सब लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिटीज़न कहाँ के हो वो सब कुछ यहाँ लिख देना है। कौन सा क्लास चाहिए आपको वो लिख देना है, जनरल चाहिए कौन सा चाहिए क्या चाहिए वो सब आप लिख सकते हो, प्रेफर्ड अपने हिसाब से जो भी आपको करना हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ टिक कर देना तो ये सारी ट्रेन बता देगा कौन कौन सी वहाँ तक जाती है जहाँ तक आपको जाना है। यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर AC और नॉन AC आप देख सकते हो कितनी अवेलेबल है कितनी अवेलेबल नहीं है। बुक यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे बुक कर देंगे तो पैसेंजर का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका मतलब कहाँ का सिटीज़न है वो और फ़ोन नंबर लगेगा, तो वो सब आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के यहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। जैसे कि ये देखो विंडो सीट चाहिए तो मैंने यहाँ से प्रेफर कर दिया, ये हो गया। देन उसके बाद अपन नीचे आ गए, यहाँ पे टिक कर दिया। ऑटो अपग्रेडेशन ऑन कर देना भाई ताकि तुक्का लग जाए तो अपग्रेड हो जाए आपकी सीट, और यहाँ पे प्रेफर्ड वो कर देना आप। बाकी ये सब तो है ही सही और बस ऐसे बन जाता है अकाउंट, और यहाँ से आप UPI पेमेंट कर सकते हो और आपका टिकट जो है वो कन्फर्मली बुक हो जाएगा। अगली वीडियो जैसे ही आए तो मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और तुम इस वीडियो को देख के उसका फ़ायदा उठा लो। अपनी ये वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ वीडियो उसे शेयर कर दें ताकि वो भी अपना IRCTC अकाउंट बना लें और टिकट जो अपना खुद घर से ही बुक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तो चलिए बाय बाय।